टी एन मनोहरन, जो पद्मश्री अवार्डेड हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीआई के, वो कहते हैं 1980 से पहले जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे उसमें से 80% अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे और सिर्फ 20% स्टूडेंट ही जॉब के फील्ड में जाते थे। पोस्ट 1991 सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो गया। 90% स्टूडेंट आज जॉब करते हैं सीए पास आउट होने के बाद, सिर्फ 10% ही अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इस चेंज के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो जॉब में स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे डील मिल रहे हैं, ज्यादा सैलरी और फैसिलिटीज मिल रही है, या फिर प्रैक्टिस में अर्निंग कम हो रही है, क्लाइंट्स कम मिल रहे हैं। अब क्लाइंट्स कम मिल रहा है ये तो रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस हर रोज खुल रहे हैं, तो ये जॉब वाली आर्गुमेंट सही हो सकती है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिसिंग फर्म क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इस पर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अगर जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में सीए की सैलरी कितनी होती है जिससे लोग ज्यादातर जॉब के पीछे भागते हैं प्रैक्टिस को छोड़ के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो 30-40 लाख की पैकेज लगती है वो कैसे मिलती है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तभी हम इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, अगर आप सिर्फ सीए डिग्री लेते हैं तो आपका सैलरी कितनी होती है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे अगर आप सीए के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या एमबीए जैसे कोर्सेज को कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, और अगर आप सीए कंप्लीट करके प्रैक्टिसिंग फर्म खोलते हैं तो कितना अर्निंग हो जाती है। वीडियो फैक्ट्स और मोटिवेशन से भरपूर होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए रिसर्च बहुत लगती है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। फर्स्ट हम देखेंगे अगर आपके पास सिर्फ सीए डिग्री है तो आपको कितना सैलरी मिलेगी। देखो, सीए क्लियर करने के बाद इनिशियल स्टेज में बहुत मैटर करता है आपका कितना अटेम्प्ट्स लगे थे। अब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये अटेम्प्ट्स, रैंक, ये सब पहला प्लेसमेंट देने में ही आपको हेल्प करता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका टैलेंट मैटर करता है और उसी हिसाब से आपका सैलरी भी डिसाइड होता है। फिर भी 2021 के प्लेसमेंट के डेटा के हिसाब से इंस्टीट्यूट से जिन लोगों को प्लेसमेंट मिला था उनमें से जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे उनको 11 से 15 लाख के बीच में ईयरली पैकेज मिला था, और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया था 25 लाख का, और इंटरनेशनल पैकेज 33 लाख का गया था, और एवरेज सबको 6 से 9 लाख के बीच पैकेज मिली थी। दोस्तों, ये जो सैलरी होती है ना, ये डिपेंड करती है आपके नॉलेज पर। शुरुआत में तो आपको रैंक वगैरह से सैलरी मिल जाएगी, पर एक स्टेज के बाद आपका कितना रैंक है, कितने अटेम्प्ट्स में आपने क्लियर किया, ये सब मैटर नहीं करते, आपका नॉलेज मैटर करता है। खैर, ये तो रहा ऑन रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट के डेटा, पर ऑफ कैंपस भी कंपनीज टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इन्वाइट करती है जिसमें उन्हें अच्छा खासा पैकेज ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आप सीए के साथ कोई और डिग्री लेते हैं, MBA, LLB, CFA, या अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के फील्ड में ज्वाइन करते हैं तो CA करने की वजह से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो, CA की पढ़ाई करते करते बच्चा इतना तब जाता है कि उसके लिए दूसरा एग्जाम बहुत आसान लगने लगता है। एग्जाम्पल, ज्यादातर केसेस में जो लोग CA करके MBA के लिए CAT एंट्रेंस देते हैं वो 90% क्रैक कर लेते हैं और उनको IIM मिलती है, और वैसे भी IIM की एवरेज सैलरी 26 लाख होती है और हाईएस्ट पैकेज 51 लाख थी, और सीए करने की वजह से आपकी पैकेज अपर साइड में ही होगा। और सीए के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में जाते हैं तो आप कमीशन वाइज भी पेमेंट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मतलब सीए के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं तो उसका फायदा आपको डबल मिलता है। सीए के साथ LLB करते हैं तो टैक्स लॉयर बन सकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में भी आप केस लड़ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर की फीस वैसे भी नॉर्मल लॉयर से बहुत ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट, अगर आप अपना सीए का प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन करते हैं तब आपको कितना अर्न हो सकती है। देखो, इस पर डिपेंड करता है, अगर आप किसी बड़ी फर्म के साथ कोलैब करते हैं तो आप फर्स्ट ईयर से ही लैक्स में अर्न कर सकते हैं। पर वही है, सीए फर्म जो कि एक बिजनेस की तरह ही होता है, बिजनेस में पहले थोड़ा क्लाइंट बेस बढ़ाना होता है, टाइम लगता है, पर एक बार जब आपकी क्लाइंट बेस बन चुकी होती है आपकी अर्निंग्स लाख से करोड़ का बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नॉलेज की कमी हो सकती है। दोस्तों, इस जगह मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो अच्छा बनने का नाटक कर, फिर देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अच्छे बन जाओगे। और किसी महान आदमी ने कहा है कि जब चलता हूँ तो कोई पूछता नहीं है, और रुक जाऊंगा तो ये लोग रौंद कर चले जाएंगे। तो रुकना नहीं है, चलते रहिए, भले ही स्पीड थोड़ी कम होगी तो क्या दिक्कत, थोड़ी लेट ही तो पहुंचेंगे ना, तो क्या दिक्कत, लेकिन पहुंचेंगे तो सही। दोस्तों, यहाँ पर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा आप अपना रास्ता खुद बनाइए, इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट दे ना दे आप खुद पर यकीन करिए और इतना काबिल बनिए कि प्लेसमेंट आपको ढूंढते हुए आए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक करें, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।